Please subscribe my YouTube channel New Sai Classes and press the bell icon. Hello my dear friends, welcome back to my YouTube channel New Sai Classes. मैं चंदन सिंह, आज मैं आपको इम्पोर्टेंट वीडियो की श्रृंखला में अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ प्रायिकता का, क्लास 12th का. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अनसार्ड से लिया है मैंने, और ये NCERT में 13.4 का 11 नंबर क्वेश्चन है, और ये 2018 और 19 में आया हुआ है. तो आइए देखते हैं. दो पासों को युग्मतः उछाला गया है, यदि x छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है तो x की प्रत्याशा हमें ज्ञात करनी है. तो हमें ये चीज देखना है कि दो पासों को युग्मतः उछाला गया है, तो यदि छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है तो x की प्रत्याशा कितनी हो जाएगी. तो x की प्रत्याशा हमारी हो जाएगी 0, 1, 2. अब हम px की अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा किसी भी पासे पर 6 ना आने की प्रायिकता हमारी हो जाएगी 25/36. ये देखते हैं कैसे होगा. इसके लिए हम थोड़ा सा और क्लियर कर देना चाहते हैं आपको. इसका हम समिष्ट बना लें पहले, प्रतिदश समिष्ट एक बना लेते हैं. तो S का होगा, पासे पर होती हैं संख्याएं 6, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो गया. उसके बाद एक पासे पर छक्का प्राप्त होने की प्रायिकता आपकी हो जाएगी 1/6. पासे पर छक्का प्राप्त न होने की प्रायिकता ये आपकी हो जाएगी 1-1/6 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6. फिर अब ये चीज जो है यहां पर हमें करनी थी, px इक्वल टू 0, किसी भी पासे पर 6 न आने की प्रायिकता इतनी हो जाएगी. जब दो पासे उछाले जाएंगे तो आपका कंडीशन 36 बन जाएगा, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 25/36. फिर यहां पर देखते हैं px इक्वल टू 1, एक छक्का प्राप्त हो, तो एक छक्का प्राप्त होने की घटना आपकी हो जाएगी. इसके लिए हम समिष्ट एक बना लेते हैं, ये आपको हो जाएगा 1/6 हो सकता है, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, ये हो गया. अब देखते हैं इसको काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये आपका हो जाएगा px इज इक्वल टू 1. ये आपका होगा 6, एक बार 6 आने की प्रायिकता, यह है आपका 10/36 हो जाएगा. फिर आगे देखते हैं, फिर हमें देखना है कि दो बार 6 आने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा इसके लिए 6, 6, तो ये आपका बनेगा px इज इक्वल टू 2, ये बन जाएगा आपका 1/36. फिर अब हमें इसका बंटन, इसकी बंटन प्रायिकता निकालनी है या बंटन सारणी बनानी है, तो इसकी बंटन सारणी आपकी ऐसे बन जाएगी. ये आपका हो जाएगा x 0 1 2, ये हो जाएगा px. तो 0 की वैल्यू हमने निकाली है 25/36, और 1 की वैल्यू हमने निकाली है, ये हो जाएगा आपका 10/36, और ये हो जाएगा आपका 1/36. अब हमें इसकी प्रत्याशा निकालनी है, तो प्रत्याशा के लिए फार्मूला है x की प्रत्याशा हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपका σni = 1 xi और pi. अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x0 p0 plus x1 p1 plus x2 p2. अब इसको और क्लियर करते हैं, मान रखते हैं इसका x0 का मान 0 हो जाएगा, p0 की वैल्यू है 25/36, प्लस x1 का मान है 1, और p1 का हो जाएगा 10/36, और x2 का मान है 2, और इसका मान हो जाएगा 1/36. अब इसको टोटल करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 10/36 हो गया, 10/36 प्लस का ये हो जाएगा आपका 2/36, तो ये आपका आ जाएगा 12/36, 12 कम 12, 12 3, 36, तो आपका आंसर जो है वो 1/36
तीन आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पांच पुरुषों 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफेद हैं। एक सफेद बालों वाले व्यक्ति को यादृच्छिक चुना गया है। इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या है? यह मान लें कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी में 17, 18, 19 में आया हुआ और सीबीएसई में 16 और 15 में आया हुआ है। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए। तो देखते हैं, हम इसमें मानेंगे, माना ईवन जो है चुना गया व्यक्ति पुरुष है, व्यक्ति पुरुष है, फिर E2 है चुना गया व्यक्ति महिला है, और E जो है वो इंगित कर रहा है सफेद बालों वाला व्यक्ति चुना जाता है, व्यक्ति चुना जाता है। तो अब इसको देखते हैं, तो इसकी जो प्राथमिक प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, पहली घटना ये हो जाएगी 5% है, तो इसको हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और जो इसकी दूसरी घटना जो है वो भी हमारी 1/2 हो जाएगी। फिर इसका हो जाएगा PE/E1 जो है वो आपका हो जाएगा 5% दिया गया पुरुषों का, क्योंकि पुरुषों को पहले हमने माना है E1, तो 5/100 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/20। फिर हम निकाल लेते हैं PE/E2 को, जो कि महिलाओं को इंगित करता है, तो ये आपका हो जाएगा 0.25%। इसको हम परसेंट चेंज करेंगे, पॉइंट हटाया, दो जीरो और बढ़ाएंगे, 25 × 100, तो ये आपका हो जाएगा 1/400। फिर अब आप एक थ्योरम जो है बेस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि पुरुष होने की प्रायिकता, यानी कि पहली घटना, यानी कि PE1E, इसका सूत्र हो जाएगा PE1 PE/E1 PE/E1 PE/E2 और फिर PE/E2। अब इसका मान हम रख लेंगे, जो मान हमने निकाला है, तो मान हमने निकाला है इसका, यह हो जाएगा PE1 का मान 1/2 और यह है 5/, इसको हमने निकाला है 1/20, और ये हमारा हो जाएगा 1/2 × 1/20 प्लस 1/2 × 1/400। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये आपका हो जाएगा 40 ऊपर, यहाँ पर करेंगे तो 1/40 और प्लस का 1/, ये हो जाएगा आपका 800। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका ऊपर हो जाएगा 1/40 और नीचे हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 800, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 और प्लस का 1। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/40 × 800 / 21, कैंसिल कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 20, यानी कि आपका आंसर जो है 20/21 जो है आपका आंसर आ जाएगा।